Hello dear viewers, this is Aisha and welcome to the other session with us. And today we are going to do the class 3 of vocabulary. As आपको पता है कि हमने vocabulary की already दो classes कर चुके हैं, जिसमें हमने almost 30 important words जो कि examination point of view से important है, जो कि mostly competitive exams में पूछे जाते हैं. क्योंकि competitive exam जो भी होता है जिसमें vocabulary होते हैं, तो उसमें easy words तो पूछी नहीं जाती, थोड़ा advanced level की vocabulary पूछी जाती है. तो आज हम कुछ और words करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग भी और यूजेज, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ बताने वाली हूँ. तो प्लीज मेरे साथ रहें. और आज का हम वीडियो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट बनाने की, क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है यूजुअली स्टूडेंट्स के पास. सो लेट्स कीप इट शॉर्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And the first word, see, I'm starting from word number 31 because we have already done 30 words in past two videos. So we are starting with 31. Just in case if you want to go through those videos, I will be giving the link in the, you know, I button. So you can just click it and you can watch our previous videos as well. So let's get started. So first word is priggish. Priggish is an adjective. See, the first thing you need to concentrate, because when it comes to English, the correct pronunciation of the word is very much important. So, priggish is an adjective और इसका मतलब है परोपदेशक. परोपदेशक, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी में भी मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, परोपदेशक. तो इसका मतलब क्या होता है परोपदेशक? सेल्फ राइटियसली इमोरलिस्टिक एंड सुपीरियर. वो इंसान जो अपने आप को बहुत सही समझता है, जिसको लगता है कि मेरी एडवाइस बड़ी, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, जो मॉरलिस्टिकली अपने आप को सही समझता है, ठीक है, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है कि मुझे इस अच्छे बुरे की अच्छी समझ है और मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ, वैसा कोई इंसान, ठीक है. तो इसके सिनोनिम से जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए हिंदी अर्थ भी दिया गया है बहुत ही डिटेल में. तो सिनोनिम से इसके हैं, मैं हर एक वीडियो में इस चीज से बहुत ही फोकस डालती हूँ कि आपको इसके सिनोनिम्स भी करने हैं और इसके एंटोनिम्स भी करने हैं. बिकॉज इन एग्जाम यू कैन बी आस्क्ड, यू कैन बी इवन आस्क्ड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अपटाइट. सो अपटाइट and priggish, you know, these are two opposite words. So you need to be very, very aware of all these things. So the synonyms are smug, sanctimonious, moralistic, prudish. So these are the synonyms of the word priggish. And the antonyms are, you can side by side note them down. If you've got a notebook, you can note them down, or you can simply take a screenshot of the screen. Antonyms are broad-minded, permissive, overstrung, uptight. Now, how can we use the word priggish in a sentence? After living with his wife for 30 years, the husband was tired of the nagging and demands made by his priggish woman. So, the word priggish is an adjective which has been used with a noun. So, priggish here means someone who is self-righteously moralistic, जो अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझे, क्योंकि वो समझता है कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है, मैं लोगों को अच्छे बुरे के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ. Scalding is again an adjective. इसका मतलब है ये क्या है, धड़कते हुए जला देने वाला. हिंदी में अगर मुझे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हो तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करें, बिकॉज हिंदी मेरे, आई एम नॉट दैट वेरी गुड इन हिंदी, बट आई ट्राई टू गेट हिंदी मीनिंग्स फॉर यू. एंड मैंने यहाँ पे जला देने वाला भी लिखा हुआ है. तो इट बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हॉट. And it cannot be used with, you know, liquids only. Liquids के लिए ही हम खाली use कर सकते हैं scalding. नहीं, ऐसी बात नहीं. Scalding हम generally किसी भी चीज़ के लिए जो गर्म हो, या मतलब जिस जो बहुत full of emotions है, जिससे हम अंदर से बहुत ज़्यादा उसको feel करें ना, मतलब वो चीज़ भी होती है scalding. ठीक है, इफ लिक्विड इज स्केल्डिंग इट्स एक्सट्रीमली हॉट. तो यहाँ पे मीनिंग इसको पर्टिकुलर लिक्विड के साथ जोड़ दिया गया है, बट इसको हम किसी और चीज और वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक सिनोनिम्स इसके ब्लेजिंग, ब्लिस्टरिंग, दोनों का मतलब है कि बहुत गर्म. एंटोनिम्स इसके कोल्ड, कूल. ठीक है, तो सेंटेंस इसके अगेंस्ट हर विल, हॉट स्केल्डिंग टीयर्स बर्स्ट from her, against her will, hot scalding tears burst from her eyes and down her cheeks. तो यहाँ पे इसको बहुत ही poetic way में use किया गया है कि उसके बहुत ही यहाँ पे hot scalding, यहाँ पे hot वैसे है कि जो दिल को दहला देने वाले, ठीक है,
तो वैसे उसके आंसर थे। तो यहाँ आप इसको इस ऐसे वे में भी यूज कर सकते हो। देन लीवे, लीवे का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम। ओके, सो इट्स अ नाउन, फ्रीडम। सो द मीनिंग हियर इज द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल। ओके, सो द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल। तो यही कि किसी को बहुत ज्यादा फ्रीडम देना, उसका मतलब होता है लीवे। तो इसके सिनोनिम जो है फ्रीडम, स्कोप, किसी को बहुत ज्यादा लिबर्टी देना, ठीक है। एंटोनिम्स, बिगॉटरी, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मींस बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर, जो किसी भी, चाहे अपनी थिंकिंग हो या रिलीजियसली या यू नो मॉरलिस्टिकली, जो बहुत ही एक्सट्रीम हो, जो बहुत ही यू नो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करे और उसको बहुत ही खींच के उसको पेश करे। So sentence is, my boss grants me leeway to make my own decisions. So here by leeway here means that he's got a lot of liberty, he's got a lot of, you know, freedom to put his point across. So that's what is meant by leeway. Next word is retreat. Retreat again is a verb. It means पीछे हटना, किसी चीज से पीछे हटना, you know, to give up basically. To go away from a place or person in order to escape. भाग जाना, पीछे हटना, right? Yield और surrender इसके synonyms होते हैं और antonyms इसके invade और access होता है, ठीक है। Invade means हमला करना, access करना। So the example here is firefighters had to retreat from the fierce heat. Then जो उससे पीछे हट गए, उनको पीछे हटना पड़ा। So that is what is meant by retreat. Okay, next word, dilatory. Dilatory again is an adjective which means dhima, slow. स्लो, जो बहुत ही स्लोली एक्ट करे, स्लो टू एक्ट। एंड सिनोनिम्स आर स्लगिश, स्लॉथफुल, लैक्स एंड स्लैक। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। स्लगिश भी स्लो होता है, स्लॉथफुल भी स्लो होता है, लैक्स भी स्लो होता है और स्लैक भी स्लो होता है। एंड एंटोनिम्स आर फास्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क एंड क्विक। So the sentence here is the word dilatory in providing the researchers with information. But so it clearly shows that the word dilatory means they were slow in their action, right? Moving on, trailblazing, it can be an adjective or a noun. Okay, so it here means path pradarshak, जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला या दूसरों के लिए जो example set करे, path pradarshak. Okay, so introducing new ideas or methods, innovative or pioneering, right? The synonyms are innovative, radical. Okay, जो radical means जो reasonable हो अपनी आइडियाज में, ओके। एंड कंजर्वेटिव, जो अपनी आइडियाज में बहुत ही कंजर्वेटिव हो, नैरो माइंडेड हो, ठीक है। सो सेंटेंस इट्स अ ट्रायल ब्लेजिंग रिजल्ट, ओके, दैट इज समथिंग न्यू, ओके, दैट इज कम अप, सेज द एस्ट्रोफिजिस्ट सारा सीगर ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैम्ब्रिज। सो ट्रायल ब्लेजिंग इज समथिंग विच इज वेरी न्यू, ओके, विच इज वेरी इनोवेटिव, पायनियरिंग, जो कभी पहले किसी ने ना किया हो, राइट। Moving on, harping again is a verb, okay? तो इसका मतलब है दोहराना, repeat करना, ठीक है, दोहराना। Harping means repeat, बार बार एक ही चीज करना। Talk or write persistently and tediously, कोई चीज बार बार करना और थका देने वाला, okay? So its synonyms are dwell, reiterate, repeat, and the antonyms of forbid means rokna, fearfulness, dar, kisi cheez ka dar hona. Sentence, he is always harping on about lack of discipline. That means wo bar bar isi cheez ko, lack of discipline ko repeat karta hai, right? Moving on, blatant. It's again an adjective, blatant. So yahan pe likha hai, shor machane wala. जो बहुत ही गंदी वे में चीजों को पेश करे, वो भी बहुत ही ओपनली, जिसको किसी चीज की शर्म ना हो, ठीक है। सो द मीनिंग इज ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनअशेमेडली, जिसको किसी चीज की शर्म लिहाज ना हो और जो बहुत ही ओपनली किया जाए। एंड दैट द सिनोनिम्स आर फ्लैग्रेंट, ग्लेयरिंग, ओके, एंड द एंटोनिम्स आर इनकॉन्स्पिशियस, सबटल, ओके, इनकॉन्स्पिशियस एंड सबटल। The whole episode was a blatant attempt to gain publicity. That means blatant means कि इसको unashamedly किया गया और इसको बहुत openly किया गया ताकि publicity मिलने के लिए, okay? Next, unleashing. Unleashing is a verb and जो ये वो होता है कि खोल देना, उन्मुक्त,
उन्मुख दैट मीन्स किसी चीज को रिहा करना, किसी चीज को खोल देना जो बंद हो, ठीक है. तो रिलीज फ्रॉम अ लीश, रिलीज अ डॉग, यहाँ पे डॉग ऑफ यू नो ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि इसको खाली हम यू नो डॉग के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको हम बहुत सारी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं. रिलीज फ्रॉम अ लीश, बेड़ी से खोलना मीन्स खोल देना, फ्रीडम दे देना, यू नो लिबर्टी होना, सेट फ्री, रिलीज. एंड एंटोनिम्स आर रेस्ट्रेन, रोकना. अदर पारिशनर्स, पारिशनर्स हियर मीन्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ यू नो क्रिश्चियन पीपल, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ विलेज. सो अदर पारिशनर्स वर वेरी ऑफ वेरी, अगेन वी हैव डन दिस वर्ड इन आर प्रीवियस टू वीडियोज इफ यू रिमेंबर. वेरी मीन्स टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, टू बी अलर्ट अबाउट समथिंग, सावधान करना किसी चीज को, सावधान दूसरों को सावधान करना किसी चीज के बारे में. सॉरी, सो वेरी ऑफ अनलीशिंग पोलिटिकल पैशंस इन द पैरिश, दैट मीन्स वो इस चीज से बहुत ज्यादा उस चीज से अवेयर थे कि अनलीशिंग पोलिटिकल पैशंस इन द, अगर हम अनलीश करेंगे इनको, हम खोल देंगे या उनको हम रिलीज कर देंगे तो उसके उसके बाद क्या होगा, तो उस चीज के बारे में बहुत ही वेरी थी, उनको पता थी कि इसके बाद क्या होगा. Uncumbrance. So it's a noun. It means भार, बोझ, burden. Okay, किसी चीज का भार होना, किसी feeling heavy. Okay, an impediment or burden. An impediment or burden. किसी चीज का बोझ. इसके synonyms है hindrance, रुकावट, obstruction भी रुकावट होता है. तो antonym है इसके help और assist. Sentence, I felt I was being an encumbrance to them. So it clearly shows ki that I was being a burden to them. Wo khud ko ek bojh jaise maar rahi thi unpe. Castigated again is a verb and it means alochana, reprimand severe. Kisi ko openly rebuke karna, daantna, theek hai. So the synonyms are reprimand, rebuke, kisi ko daantna, and antonyms are praise, comment, kisi ko kisi ki tareef karna. He castigated himself for being so stupid. Usne khud ko khud hi daanta, khud ko khud hi reprimand kiya because he was being so stupid, right? Flippant, it's again an adjective and it means shudra. Flippant वो इंसान होता है जो यू नो फनी वे में बात करता है, जिसको चीजों का पता नहीं होता, वो कभी भी पलटी मार सकता है, किसी उसकी बात को कभी भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है. वो हर एक वे, हर एक बात को फन वे में लेता है जबकि उसको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. Showing or having a rude attitude of not being serious, especially by trying to be amusing. वो खुद को ऐसे, उसको लगता है कि मजाक कर रहा हूँ जबकि वो लोगों को पसंद नहीं आता है. When most people expect you to be serious, जब लोग आपको serious expect करें कि आप थोड़ा seriousness दिखाएं, लेकिन तभी आप उसको fun way में लेते हो, तो उस वजह से ना flippant बन जाते हो. तो synonyms के rude होता है, archness होता है, antonyms के respect होता है, regard होता है. We had lost thousands of dollars, so we did not appreciate his flippant remark. हमने already इतना नुकसान उठाया हुआ था तो हम उसके flippant remark को नहीं appreciate किया. Better luck next time, okay? तो इस sentence में आप clearly देख सकते हैं इसको किस words कैसे use किया गया है. Reprimand. Reprimand पहले ही हमने discuss किया है. Reprimand means it's a noun, okay, and it can be used as a verb as well, right? So daantna, reprimand hota hai daantna, lekin officially, theek hai. So to tell someone especially officially that his or her behavior is wrong and not acceptable, right? So reprimand hota officially kisi ko koi cheez karne se rokna. Dekho ji ye acceptable nahi hai, theek hai. To iske synonyms hai admonish, censure. And antonyms are approve, comment, okay. Examples are the committee reprimanded and censured him for his uncooperative attitude, right? So it is clearly shown that he was reprimanded, that he was stopped from doing something which was not acceptable, and he was rebuked for the same. So that's what it means. And moving on, unhindered. Okay. So this is what it means. Unhindered means near. Nirbad. Okay, nirbad means non-hindered or obstructed. Jo roka na gaya ho, jiske aage koi rukawat na ho. Theek hai? So synonyms ke straight, non-stop. Antonyms ke incomplete, indirect. Sentences ka hai, he was able to pass unhindered.
through several military checkpoints. Unhindered means उसके आगे कोई रुकावट नहीं. Hindered होता है रुकावट. Unhindered होता है जिसके आगे कोई रुकावट ना हो. तो ऐसे वे में आप इसको याद रख सकते हैं. Then vacillate. Okay, vacillate. तो it is a verb and the इसके हिंदी meaning है अस्थाई. Asthai, it means temporarily. Something is tentative, temporary. Okay, waver between different opinions or actions. जो बीच में इनके बीच में यहाँ वहाँ डामाडोल हो. Synonyms, temporize, hesitate, oscillate. Means यहाँ वहाँ अभी temper अभी कोई permanent चीज ना होना. Antonym is resolute. Okay, किसी final नतीजे पे पहुँचना. You might vacillate between ordering pizza and burger as both are tasty, right? Vacillate. That means you are not sure as to what to order, right? As to what order. So it's called as vacillate, to oscillate between two things, okay? So that was all for today. So till now we have done 45 words. And believe me guys, these 45 words are very, very important. Even if you are preparing for CTET, you are preparing for KVS, you are preparing for AWES exam, which is going to happen next month, okay? You can just, I am just watching for all these words. These are really, very, very important. And in mein se koi na koi to zarur pucha gaya. जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो एंड जस्ट कीप अप विद योर प्रिपरेशन. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. ओके, बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो प्लीज प्लीज डू कमेंट.